अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरे फेस का क्या हाल हो रहा है। बेसिकली हम लोग गए हुए थे पिकनिक पे, और आपको पता है कि टैनिंग तो मस्ट होती है अगर आप बीच पे जाते हैं। तो अभी आप जो है ये कॉम्प्लेक्शन देख सकते हैं, हाथ का देख सकते हैं और बाजू का देख सकते हैं, तो आपको क्लियर जो है वो फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, तो ये देखिए फेस का भी हाल देख सकते हैं, हाथ का देख सकते हैं और बाजू में और हाथ में फ़र्क देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको टैनिंग को रिमूव करते हैं, और उसके लिए क्या क्या यूज़ करना है तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, और फिर आप लोगों के सामने करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या फ़र्क आता है। ठीक है जी गाइस, तो इसमें से कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है और कोई भी केमिकल नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम लोग घर की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं जो हमारे पास ज़्यादातर घर में अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बेसन, ये है मिल्क पाउडर, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉफ़ी है, ठीक है, ये है रोज़ वाटर और थोड़ी सी हल्दी। अब मुझे क्योंकि अपने फेस पे, नेक पे, हैंड्स पे एंड फीट पे यूज़ करना है, तो मैं इसकी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी ले रही हूँ। ठीक है, तो हम ये वन एंड ये टू, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे वन स्पून लिया है मिल्क पाउडर। ये हमने बेसन और मिल्क जो है वो इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर जो है ये हल्दी हाफ टी स्पून मैंने डाली है, क्योंकि हम क्वांटिटी ज़्यादा बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी रख सकते हैं। और ये है हाफ टी स्पून कॉफ़ी पाउडर, ठीक है, और अब इसके अंदर हम जो है ये अर्के गुलाब रोज़ वाटर डालेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं हमने एक लिक्विड पेस्ट बनाना है, ठीक है, और ये मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ, और फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और फिर अच्छी तरह से इसको लगा के फेस पे मसाज करेंगे, और देन जो है वो इसको हम फेस पे लगा रहने देंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए। जब ये ड्राई हो जाएगा देन हम इसको वाटर से रिंस करेंगे अपने फेस को। ये देखिए गाइस, मैंने इसका एक लिक्विड पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसको अपने फेस पे ब्रश की मदद से लगाऊंगी, और फिर जो है इसको जेंटली जो है वो थोड़ा मसाज दूंगी फेस के ऊपर और हाथ पांव पे, और फिर जो है हम इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए अपने फेस पे और स्किन पे रहने देंगे, और देन इसको वॉश कर देंगे वाटर से। तो चलिए चलते हैं जी गाइस। तो ये देखिए, मैंने इसकी एक लिक्विड सी कंसिस्टेंसी आपने देख लेनी है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको आपके सामने ही अपने फेस के ऊपर जो है लगा लूँगी, और आप लोगों को रंग तो मेरा नज़र आ ही रहा होगा, तो अभी हमें जो है वो इसके रिजल्ट्स पता चल जाएंगे कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका और हमारे स्किन पे क्या चेंजेस आते हैं। आपको पता है कि बीच पे जाओ तो कितनी टैनिंग होती है, मतलब आप कुछ भी कर लें, कितना भी आप बचा लें, लेकिन आपको पता है कि समुंदर जो है वहाँ पे सूरज की रोशनी जो है वो आपकी स्किन को सनबर्न ज़रूर मिलता है, और आप कितना भी प्रोटेक्ट कर लें कुछ ना कुछ असर ज़रूर होता है। तो अब इसके लिए हम अपनी पिकनिक्स तो नहीं छोड़ सकते, तो पिकनिक्स तो हम करते रहेंगे, लेकिन हम घर आके उसका ट्रीटमेंट भी कर लेंगे ताकि हमें जो है वो ज़्यादा नुकसान ना हो हमारी स्किन को, और हम उसे वापस रिकवर कर लें और हमारी स्किन की ब्राइटनिंग ख़त्म ना हो। और ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे से इसको पूरे फेस पे स्प्रेड कर लिया है, और ये टोटली घर में हमारे मौजूद होती हैं तमाम चीज़ें, तो हमें इसके लिए कुछ परचेज नहीं करना पड़ेगा। इसको मैं अपनी पूरी स्किन पे जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ, आप ये देख सकते हैं,
और इसके बाद मैं इसको 5 to 10 मिनट जो है वो मसाज दे लूँगी, ठीक है। और उसके बाद हम इसे वॉश करेंगे अपने नॉर्मल फ्रेश वाटर से, ठीक है। तो हमें फौरी तौर पे रिजल्ट्स का पता चल जाएगा कि क्या है। ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है। अब मैं इसका मसाज कर लूँगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अच्छे से कि ये वॉश होने के बाद, यानी मैं इसको मसाज करने के बाद छोड़ूंगी नहीं, फौरी तौर पे वॉश नहीं करूँगी इसको, 10 to 15 मिनट्स के लिए अपने फेस पे लगा रहने दूंगी। गाइस ये देखिए, अब मैं इसको आपके सामने ही यूं जेंटली हम इसको मसाज देंगे, ठीक है। अच्छी तरह, और मैं अपने हाथों को बहुत ज़ोर से नहीं रब कर रही हूँ। आपको मैंने हमेशा कहा है कि स्किन पे जेंटली मूवमेंट देनी होती है अपने हाथों की, आपकी मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए, यानी आपकी आपके आपको पता होना चाहिए। मेरे हाथ देख सकते हैं कितने काले हो रहे हैं, तो हम अभी यही प्रोसेस जो है वो अपने हाथों पर और अपने पाँव पर भी करेंगे। तो ये अच्छी तरह से जो है वो आपने इसका मसाज कर लेना है 2 से 3 मिनट, ताकि जो है टैनिंग उसका असर कम हो जाए और हमारी स्किन आपकी ब्राइट हो जाए। पिन कर दूँ? हाँ, कि मैंने जो है अच्छे से मसाज कर लिया है। अब मैं इसको 10 to 15 मिनट ऐसे अपनी स्किन पे लगा रहने दूंगी और देन मैं इसको जो है वो फ्रेश वाटर से वॉश कर लूँगी और फिर मैं आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखाऊँगी, ठीक है जी। गाइस अब आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल फेस मेरा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको जो है फ्रेश वाटर से जो है वो वॉश कर दूँगी और फिर मैं आपको इसके फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। आप लोग पहले मुझे देख सकते हैं मेरी रंगत कैसी हो रही थी, डार्क डल, ठीक है। और आप देख सकते हैं, दिखाऊँगी मैं आपको कि कैसी लगती हूँ मैं जी। गाइस ये आप लोग मेरे फेस पे वाजिया फ़र्क देख सकते हैं और आप लोगों को मेरी स्किन के ऊपर कितना ग्लो नज़र आ रहा है और स्किन क्लियर हो गई है टोटली माशाल्लाह। और आप ये देख सकते हैं, अच्छा अगर ये हम हफ्ते में 2 बार करेंगे, यानी महीने में 4 बार कर लेंगे या 6 बार कर लेंगे, तो हमारी स्किन जो है वो टोटली जो है वो क्लियर हो जाएगी और इसमें ग्लो भी आएगा और टैनिंग भी ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि सनबर्न तो डेली का काम है और टैनिंग भी होती रहती है। तो जैसे ही हमें टैनिंग हो और हम उसका जो है वो अपना रेमेडीज़ के थ्रू जो है उसको करें, तो होम रेमेडीज़ जो बहुत बेस्ट होती हैं और बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं और इनका कोई नुकसान नहीं होता। तो देखते रहिए मेरी वीडियोज़ को, मेरे साथ रहिए। थैंक यू।